आज हम आम वाला केक बनाएंगे। आम का केक बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स चाहिए, वो देखते हैं। ऐसा एक पका हुआ आम लिया है, आम को काट के ऐसा पीस करके एक कप लिया है। 1.5 कप चिरोटी रवा लिया है, 1.5 कप चिरोटी रवा, 1/2 कप गुड़, 1/2 कप ऑयल, 1 कप दूध, टूटी फ्रूटी, ड्राई फ्रूट बादाम काजू काट के लिया है, 1.5 स्पून बेकिंग सोडा। इन सब इंग्रेडिएंट्स से सिंपल तरीके में केक बनाएंगे। पहले आम गुड़ डाल के इसको मिक्सी कर लेंगे और चिरोटी रवा भी डाल रही हूँ। चिरोटी रवा थोड़ा मिक्सी कर लेंगे। अभी एक बर्तन में चिरोटी रवा डाल रही हूँ, ऑयल डाल रही हूँ, मिक्सी करके आम रखा था ना वो भी इसमें डाल रही हूँ। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए कितना अच्छा मिक्सी हो रहा है। 1/2 कप दूध डाल रही हूँ, 1/2 कप ऐसे ही रखा, 1 कप लिया था ना, 1/2 कप डाल रही हूँ। अभी इसको ढक के 1/2 या 1 घंटे के लिए रख देंगे रेस्ट करने। देखिए अभी रेस्ट हो गया है। अभी इसमें बेकिंग सोडा डाल रही हूँ, 1/2 कप जो बचा के रखा था ना दूध वो डाल रही हूँ, टूटी फ्रूटी डाल रही हूँ, दूध मिक्स होने तक मिक्स करेंगे, ज़्यादा मिक्स नहीं करेंगे इसको। अभी केक वाले ट्रे को ग्रीस करके डस्ट करके रखा है। अभी ये मिश्रण को केक वाले बर्तन में डाल के थोड़ा ऐसा टैप कर रही हूँ क्योंकि एयर बबल्स निकल जावे। अभी इसमें गार्निश कर रही हूँ बादाम काजू से। अभी इस केक ट्रे को प्री हीट करके रखा है ओवन को 180 डिग्रीज में, तो इसको अभी बेक करेंगे। कलर देख करके 40 मिनट्स लगता है वैसे। देखिए केक बन गया है, देखिए कितना रिच कितना सॉफ्ट केक तैयार हो गया है। अभी मैं आपको काट के भी दिखाती हूँ। देखिए कट करने में ही हमको कितना सॉफ्ट दिख रहा है। देखिए कितना सॉफ्ट फ्लफी केक तैयार हो गया है। आम का केक रेडी।